मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जी, तो चलिए चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं, इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी जी। वीडियो पसंद आए तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अक्षिता, मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ, मतलब औरत हूँ। चलिए मैं आपको आज की ये बात बताती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। मेरी एक अच्छी दोस्त है नेहा, वो हमारे घर आती रहती है, उसका हस्बैंड भी हमारे घर आना जाना रहता है। हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत बार नोट किया था उनके हस्बैंड मुझे लाइक करते हैं, पर मैंने कभी उनको अपने साथ कोई शरारत करने की परमिशन नहीं दी, या यूँ कह सकते हैं मैंने कोई उनको भाव नहीं दिया। दोस्तों ये तो आप बात जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है, मतलब कोई लड़का अगर किसी को देखता है तो समझ जाती है लड़की के क्या वो लाइक करते हैं। तो ये बात 2020 के होली से 2-3 दिन पहले की है। नेहा का मुझे कॉल आया, उसने मुझे पूछा कि अब की बार होली का क्या प्लान है। तो मैंने उससे कहा ऐसा तो कुछ खास नहीं, पर तू बता क्या प्लान है तेरा। उसने कहा अक्षिता अब की बार हम मिलकर इंजॉय करते हैं। आगे उसने मुझसे कहा अब की बार ऐसा करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हारे घर आते हैं, हम मिलकर होली को एंजॉय करेंगे। मैंने इसका ये ऑफर स्वीकार कर लिया। मैंने उसको अपने घर इनवाइट किया। हमारा प्लान ना एकदम फिक्स हो गया। होली पर रंग वाले दिन वो दिन आ गया। मैं और मेरे हस्बैंड भी सारी तैयारी कर चुके थे। जब वो आए तो उसने मुझे हैप्पी होली विश किया, मेरे चेहरे पर रंग लगाया। उनके हस्बैंड ने भी मुझे हैप्पी होली विश किया, उनके हस्बैंड ने मेरे माथे पे बस रंग का टीका लगाया। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी विश किया, मैंने भी उनको ऐसा ही किया। हम सब ड्रिंक करने बैठे, हमारी बहुत सी बातें हो रही थी। जब हम सब ने 3-4 पैग ले लिया तो उनके हस्बैंड ने कहा अक्षिता यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो हम सब हंसने लगे क्योंकि शायद सबको नशा सा हो गया। हम ड्रिंक करते रहे। मेरी फ्रेंड नेहा को ज़्यादा नशा हो गया था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, लेकिन उस दिन होली थी तो सब मान्य था। फिर हम सबको पकोड़े खाने का मन था तो मैं किचन पे चली गई। वहाँ जाकर मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी। नेहा ने मुझसे कहा मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं तुम रहने दो क्योंकि तुम ज़्यादा नशा कर रही हो, मैं खुद थोड़ी देर में बना कर लाती हूँ। नशा तो मुझे भी हो रहा था लेकिन मुझे उतना नहीं था। मैं किचन में पकोड़े बनाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद नेहा के हस्बैंड वहाँ आए और मुझसे पानी मांगने लगे। मैंने उनको पानी की बोतल दी तो उन्होंने उसे पकड़ा। मैंने उससे कहा आप ये क्या कर रहे हैं, तो फिर वो मुझसे कहने लगे मुझे और आपने मुझसे रंग नहीं लगवाया, मैंने सिर्फ आपको टीका लगाया, मुझे आपको रंग लगाना है। मुझे भी नशा हो रहा था हल्का सा, तो मैंने कहा आपको टीका लगा तो दिया और कैसे आप रंग लगाना चाहते हो। तो उसने लिया और मेरे सारे चेहरे पर रंग लगा दिया। मेरे चेहरा तो एकदम लाल हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे चेहरे का हाव भाव देखकर मुझसे कहने लगे सॉरी अक्षिता मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यार तुम तो हुई इतनी खूबसूरत, मैं तो तुम्हें रंग लगाए बिना नहीं रह पाया। मुझे भी थोड़ा नशा हो रहा था, मैंने उसे बोल दिया ठीक है। फिर वो मेरे पास आए और शायद मैं भी नशे में थी तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोली, और जो भी था मैं सब कुछ देखने लगी। फिर मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, वो चले गए। मैं फिर किचन में पकौड़ा बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन क्योंकि हल्का सा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो वाक्य सिर्फ 10 मिनट के अंदर का था, लेकिन मुझे इसको बताने में और ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपने फ्रेंड और मेरे पति दोनों को धोखा दिया था,
लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं वहाँ पकोड़ा बना के लेके गई, सबने मिलकर पकोड़े खाए और मैं बस ये सोच रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या ये सब हादसा जो भी हुआ मुझे ये सब उन्हें बताना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ना ही बताऊँ तो अच्छा है। फिर उसके बाद खाना वाना खा के वो लोग चले गए। दोस्तों इन सब चीज़ों को मैं बस भुलाना चाहती थी और उनके पति के सामने मैं ऐसा बर्ताव करना चाहती थी जैसे मुझे पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या था। ये सब चीज़ जैसे नॉर्मल सा हो गया। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें इतनी सामान्य जैसी मुझे लग रही थी इतना सामान्य हो नहीं रहा था। होली के करीब 4 दिन बाद मुझे नेहा का कॉल आया। फिर नेहा ने मुझसे कहा कि कैसे हो। हम दोनों में फॉर्मल बातें हुई। मुझे ऐसे बातों से तो लगा कि नेहा को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया। फिर उसी दिन शाम की बात है, नेहा के पति का मुझे कॉल आया। जैसे ही उनके पति का नंबर था मुझे हल्का सा दिल धक धक होने लगा, डर से कि वो मुझे क्या बताएंगे नहीं बताएंगे। मैंने ये सारी बातें डर से उनकी फ़ोन ही नहीं रिसीव की। लगभग शाम को उनका फ़ोन आया था और फिर मेरे पति ऑफिस से रात को घर 9 बजे आते, ये बात उनको पता था। रात के करीब 7:30 बज रहा था शाम को, मेरा घर का गेट नॉक हुआ। समझ में नहीं आ रहा था मुझे कौन है। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं। जब मैं गई तो मैंने देखा गेट पर नेहा के पति। मेरा दिल धक धक करने लगा बड़ा तेज़ी से। वो इस वक्त क्यों आए हैं, क्या होली वाले दिन की बात को लेकर, अब क्या होगा। इन सब बातों में मेरा दिमाग में उलझन तो पैदा था। मैंने गेट खोला तो उन्होंने कहा, अरे आपने इतनी देर कर दी गेट खोलने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे आगे कहा, तो उस दिन कैसा था, आपको कैसा लगा। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा इतना अनजान भी मत बनिए, मुझे बहुत अच्छा से पता है कि आपको सारी बातें पता है। मैंने कहा कौन सी बातें। मैं अनजान बनने का नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे उनके सामने ऐसा दिखाना था कि मुझे वो सब बातें कुछ याद ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि लीजिए मेरे मोबाइल में देख लीजिए। दोस्तों उनके मोबाइल में उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया और वो वीडियो देख मुझे काटो तो मानो खून नहीं। उस दिन किचन में जो कुछ भी हुआ था उन्होंने वो सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। उन्होंने मुझे कहा, देखिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं करता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपसे मिलने के लिए कहूँ आप मुझसे मिलो, मेरे साथ काफ़ी देर थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करो और ये सारी बातें किसी को मत बताइए। और अगर आप ये सब बातें किसी को बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा था। दोस्तों उस दिन उस वक्त उनसे बात करते करते करीब 8:30 बज गए। उन्हें पता था मेरे पति आने वाले ही होंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं जाता हूँ लेकिन जल्द आऊँगा, आप दोबारा मेरा फ़ोन इग्नोर मत करना। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, मुझे पता था अगर मैं फ़ोन इग्नोर करूँगी तो वो दोबारा घर आएंगे, तो मैं फ़ोन इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब भी मुझे डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोस्तों अक्षी तक ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आगे आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।